यू स्पिरिचुअली स्टक? क्या आप एक रूहानी जुनून का शिकार हैं? और मोर ऑर लेस एक अंदाजे के मुताबिक अक्सर चर्च मेंबर्स कुछ सालों के बाद स्पिरिचुअली स्टक हो जाते हैं, नो ग्रोथ, और वो एक स्पिरिचुअल प्लेटो पे आ जाते हैं। सो आर यू ग्रोइंग स्पिरिचुअली? ये एक बड़ा पर्सनल सर्मन है जो हम सब के लिए है कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। आर वी स्पिरिचुअली स्टक? और उसकी वजूहत हम देखेंगे। अगर आप रूहानी तौर पर स्टक हैं, यानी खुदावंद के साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी क्रिश्चियन लाइफ जॉयफुल नहीं है, वी आर नॉट अ हैप्पी क्रिश्चियन, तो देर आर सर्टन रीजंस बिहाइंड। क्या वही दुआएं कर रहे हैं, वही रूटीन की बातें जो आप 20 साल पहले कर रहे थे, या आपकी दुआओं में मैच्योरिटी है? अब आपकी प्रस्तिश का एक डिफरेंट लेवल है, आपकी सोच और आपकी गिविंग जो है वो किसी और लेवल को टच कर रही है, या आर वी स्पिरिचुअली स्टक? सो आपने बड़े गौर से ये मैसेज सुनना है, क्योंकि कमोबेश 90% चर्च जो है वो स्टक ही रहता है, एंड वी ऑल नीड टू मूव फॉरवर्ड। हम सबको रूहानी तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या हम रूहानी जुनून का शिकार हैं, या हमारी रूहानी सोचें और रूहानी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ रही है? और इसमें आज हम कुछ बड़े अहम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हम खिदमत में आगे नहीं बढ़ रहे, रूहानी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, तो उसकी रीजंस क्या हो सकती। Do you feel spiritually dry? क्या आप रूहानी तौर पर ड्राइनेस महसूस करते हैं? आप दुआ करते हैं, आपको कोई मजा नहीं आता है, आप प्रस्तिश को एंजॉय नहीं कर सकते, कलाम आपके लिए बोरिंग है, आप बार बार तौबा करते हैं और फिर आप उसी जगह पे वापस आ जाते हैं, आप महसूस करते हैं खुदा मुझसे दूर है, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, you are undone, you are pulled down, you feel God is far away, or you dislike worship, kalam ke duran aapka dil karta hai bahar chale jayenge ye na sunne, you have lost the holy zeal, wo lagan wo tadap wo aag jo pehle aapke thi ab wo mehsoos nahi karte hain, you have compromised with the world, you feel spiritual dryness in your life, you feel God is silent, and you no more have an affair with God, worship is empty and worthless. kya aap ye feel karte hain? duaen aapko boring lagti hain, jo ruhani mashware aapko diye jate hain आप सोच रहे हैं पादियां पता नहीं पेज के ले, कोई आप पढ़ना, कोई आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ना शुरू करते हैं, खत्म ही नहीं कर पाते हैं। सो ओवरऑल क्रिश्चियन लाइफ इज बोरिंग फॉर यू, आर यू स्पिरिचुअली स्टक? डे आफ्टर डे, सर्मन आफ्टर सर्मन सुनते हैं लेकिन जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ना चाहते हैं हम नहीं बढ़ पाते। Do you feel a spiritual torque pulling you in a different direction? Torque, T-O-R-Q-U-E, physics ki ek term hai. Do you feel a spiritual torque? Ek khinchav jo hai, aap mukhalif simmat mein mehsoos kar rahe hain. Toh ye paigham aapke liye. You need to be charged up. मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ ये तोहफा दे। ये जुमला मेरा गौर से सुने,
क्या आपके डिजायर्ड सेल्फ में और रियल सेल्फ में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो रहा है? यानी जो आप बनना चाहते हैं और जो आप हकीकत में हैं, उसमें जो गैप है वो वाइडनिंग है, बढ़ता जा रहा है। दिस मींस आप रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप रूहानी तौर पर पीछे जा रहे हैं। खुदा के साथ जो आपका डिजायर रिलेशनशिप है और जो रियल रिलेशनशिप है उसमें काफी फासला आ चुका है। आप जानते हैं कि खुदा के साथ मेरा ऐसा रिश्ता होना चाहिए, लेकिन हकीकत में आपका कैसा रिश्ता है? क्या उसमें गैप ज्यादा आ रहा है? क्या इबादत खत्म होने से पहले ही हम घर जाना शुरू कर देते हैं? क्या आप ये सोचते हैं हदिया का गीत गा लिया, मैंने हदिया दे लिया है, मेरे लिए इबादत खत्म हो गई है, बाकी चीजें अननेसेसरी हैं, और आप उनके घर जाना शुरू कर देते हैं? यू आर समवेयर स्पिरिचुअली स्टक। गॉड इज नो मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। और अब वो रूटीन की तौबा, रूटीन की दुआएं आप पर असरदार नहीं होती। एक संडे आप चर्च जाते हैं, चार संडे हम घर में सोए रहते हैं। अगर ये आपकी कंडीशन है, वी नीड टू वेक अप। फिर आप उन 10 कुमारियों में से उन 5 कुमारियों की मानत है जो ऊँगने लगी। जब दूल्हा ने आने में देर कर दी तो वो ऊँगने लगी। तो आज चर्च जो है उसका एक लार्जर पार्ट जो है वो ऊँगने की हालत में जाती है। शुक्र है अभी सूंघने की हालत में नहीं। तो जो ऊँगने वाले हैं उनको जरा जगा दें कि जागने का। अगर चर्च में आपको नींद आ जाती है, यू नीड टू स्टैंड अप। फिर आपको मैसेज के दौरान खड़े होने की जरूरत है ताकि कुछ बातें आपकी जिंदगी में इम्पार्ट। देखें, एक बात याद रखें, इंटेंशंस आर नॉट इनफ, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। सिर्फ इंटेंशन, मैं ये करूंगा, मैं ये करना है खुदा के लिए, ये करना है, मैंने ये बनना है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, इंटेंशंस आर नथिंग। इंटेंशंस आर फेक क्रिश्चियनिटी। कुछ लोग अपनी अच्छी इंटेंशंस के रखते हुए सोचते हैं कि मैं बहुत रूहानी हूं। So intentions are slippery. वो शायद कभी पूरी हो, या अरादे हैं, अच्छी बात है, डिजायर है, लेकिन खुदा सिर्फ अरादों की बुनियाद पे हमें बरकत नहीं देता है, अमल की बुनियाद पे बरकत देता है। सिर्फ अरादे और ख्वाहिशात काफी नहीं है, we need to be practical. You might have good intentions. मैं ये करूंगा खुदा के लिए, हम ये करेंगे खुदा के लिए, हम ये करेंगे खुदा के लिए। करने की बात बात की बात है, पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना। अब क्या कर रही है, आज क्या कर रही है, नाउ व्हाट आर यू डूइंग? सो वी नीड टू एनालाइज आवर सेल्फ। क्या वाकई स्पिरिचुअली चार्ट अप, रूहानी तौर पर सरगर्म है, रूह की आग आपकी जिंदगी में है? और अगर नहीं है तो आइए एक बार फिर से अपने आप को स्पिरिचुअली चार्ज अप करें, खुदा के साथ चलें, बरकत पाएं और दूसरों को भी खुदा यीशु मसीह तक। तो इस मैसेज में मैं सर्टेन स्टेप्स आपको बताना चाहूंगा कि हाउ कैन यू रीअवेकन योरसेल्फ। आप एक जो रूहानी जमूद का शिकार है, आप उसमें से बाहर कैसे निकल सकते? सो क्या मैं जिन लोगों के लिए पैगाम दे रहा हूं आज, उनमें से यहां कोई मौजूद है या नहीं? सारों को तो नहीं मैं कहता, लेकिन चले कई दो परसेंट हो। नंबर वन, पहली बात हमने क्या करनी, जैसे मैंने कहा जबूर 40 निकाल, पहली बात हमने क्या करनी है, बी ऑनेस्ट अबाउट योर हार्ट, बी ऑनेस्ट अबाउट योर
heart. God is never deceived. God cannot be deceived. हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते हैं। आपके दिल में क्या है? देख खुदा तो दिल दी जानता है। Be honest with your heart. आपके दिल में क्या है? Where your heart is. और secondly, search your heart. अपने दिल को सर्च करें, क्या मैं वाकई खुदा के पीछे हूं? जैसे हिरनी पानी के नामों को तरसती है, मेरी रूह खुदा के लिए प्यासी है। क्या ये सच है या सिर्फ डेविड के लिए? क्या मैं भी ऐसा हूं या सिर्फ डेविड के लिए था? और बहुत से लोगों का जवाब ये होगा, नहीं ये सिर्फ डेविड के लिए, हम किसी और लेवल पे हैं। इट्स नॉट इनफ टू सर्व द लॉर्ड, इट्स नॉट इनफ टू वर्शिप द लॉर्ड, बट टू डू इट विद ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से। इफ योर हार्ट इज नॉट देयर द ब्लेसिंग इज नॉट देयर। सो ऑनेस्टली सर्च योर हार्ट, अपने दिल की सच्चाई को दरिया सिफ्ट योर हार्ट, सिफ्ट योर हार्ट, जांचे छानते निकालें। हम बहुत सी प्रिटेंशंस की लेयर्स में अपने दिल को छुपा देते हैं कि हमें खुद भी असल में भी नहीं पता है कि मेरे दिल में क्या। बी ऑनेस्ट विद योर हार्ट। आई एम पढ़े ज़बूर 40 और उसकी पहली दो वर्सेस। जल्दी जल्दी टाइम को नहीं वेस्ट करना। क्लास में खुदावंत के नाम में लिखा है, मैंने सबर से खुदावंत पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी, उसने मुझे होलनाक गड्ढी और दलदल की कीचड़ में से निकाला और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रमेश कायम की। आमीन। सो हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ डेविड, और वो अपने दिल की हालत को और अपने जिंदगी की हालत को हमारे सामने बयान करता है। सो सर्च योर हार्ट, डिग योर हार्ट, अपने दिल में देखें व्हाट इज योर रियल हार्ट। क्या खुदा के साथ है, दुनिया के साथ है, चीजों के साथ है? लेट मी टेल यू समथिंग न्यू टुडे। Joy is the emotion of salvation. निजात का जो वाहिद इमोशन है, जज्बा है, जज्बात है, इजहार है, वो जॉय है। इफ यू हैव सल्वेशन यू नीड टू हैव जॉय। जॉय इज द इमोशन ऑफ सल्वेशन। यू गेट इट? अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए तो आपकी पूरा पैगाम समझ। निजात का जो बेसिक इमोशन है वो क्या है? शांतमन। तो डेविड इज सेइंग, मैंने सबर से खुदावंद पर आस रखी, मैं गड़े में था, मैं मुसीबत में था, मैं दलदल में था, मैं कीचड़ में था, मैं डाउनवर्ड था, मैंने सबर से खुदावंद पर आस रखी, मैंने खुदावंद को पुकारा, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी आवाज, मेरी फरियाद सुनी और उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे और मेरी रमेश, उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे, फिर से मुझे बहाल किया और मेरी रमेश मेरे राहों को, मेरे चाल चलन को, मेरे चलने को उसने दोबारा से। देखिए क्या वो कह रहे हैं खुदावंद, उसने मेरी रविश कायम की। क्या एक्नॉलेज कर रहा है? उसने मेरे पांव चट्टान पर, आई वॉज स्लिपिंग डाउन समवेयर, आई वॉज ऑन स्लिपरी ग्राउंड, लेकिन वो मुझे कहां पे ले आया है? फिर से चट्टान।
तो आप में से बहुत से लोग जो रूहानी जिंदगी है, यू आर ऑन स्लिपरी ग्लास। कभी आप इधर गिरते हैं, कभी आप उधर गिरते हैं, कभी आप इधर स्लिप हो जाते हैं, कभी आप उधर स्लिप हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद आपके पांव चट्टान पर रख सकते, ही कैन ब्रिंग यू ऑन द सॉलिड ग्राउंड। और मेरी रविश काइंड, मेरी रविश काइंड, मेरी रविश को काइंड कर दिया है, मुझे कैसे चलना है, रहना है, हाउ आई नीड टू वॉक विद गॉड, उसने मेरी रविश को काइंड किया। ये सब कुछ कैसे हुआ डेविड के साथ? उसने अपने दिल को सर्च किया और उसने खुदावंद को पुकारा। इसलिए वो बार बार अपने ज़बूरों में कहते हैं, मुझे जांच और मुझे परख, ओ लॉर्ड सर्च माय हार्ट, सर्च माय हार्ट। ये वो इनविटेशन है जो रूहानी तौर पर स्टक हो चुके हैं, बी ऑनेस्ट विद गॉड। एक हफ्ता, दो दिन, एक महीना खुदावंद से कहें, मेरे दिल को जांच, मुझे परख, मेरे दिल को जांच, मुझे पर, मुझे बता मुझ में कौन सी बुरी रविश है, मुझे दिखा मुझ में कौन सी बुरी रविश है, और मेरी सब रविशों को कायम कर दे, चट्टान पर कायम कर दे। खुदावंद अपने कलाम पर मेरी रविश को कायम कर दे। व्हाट इज द प्रेयर ऑफ डेविड? मुझे जांच और मुझे पर, मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। और इस ज़बूर में वो क्या कह रहे हैं? उसने मेरी रविश को कायम किया। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। क्यों हम स्पिरिचुअली एक्साइटेड नहीं है? क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं नॉलेज में, एक्सपीरियंस में और रूहानी शादमानी में? बहुत जो चर्च का बड़ा हिस्सा है, they are satisfied with physical blessings, with financial blessings। जब खुदा हमें physical बरकतें दे देता है, माली बरकतें दे देता है, खुशहाली बख्श देता है, तो हम समझते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं, हम खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा हमें बरकत दे रहा है। लेकिन ये काफी नहीं है, हमें सबसे पहले अपनी रूहानी जिंदगी से खुश होना। Are you spiritually satisfied? Are you growing spiritually? साल ब साल आपकी जिंदगी में और आपकी रूहानी जिंदगी में इंक्रीज आ रहा है, आप बढ़ रहे हैं। आमीन। So be honest with your heart, dig your heart, search your heart, know your heart। कम से कम अपने आप में सच्चाई के साथ खुदावंद सच्चियां दी टोली विच दिल नाल में डेविड की। अब लैंग्वेज बार बार दिल की बात करता है, दिल की बात करता है। दिस इज व्हाट गॉड, पहला हुक्म क्या है? तू अपने सारे दिल से, तू अपने पूरे दिल से। नंबर दो, खुदा के साथ जो भी आपके गिले शिकवे हैं खुलकर बयान करें, अपना दिल खोलें खुदा ने, अपनी कमजोरी भी उसके आगे मान लें, हां खुदा मैंने ये सब कुछ किया। हैव अ प्राइवेट टाइम विद गॉड, हैव अ पर्सनल टाइम विद गॉड, और खुदा के आगे अपना दिल खोल। और जो आपके फियर्स हैं, एंग्जाइटीज हैं, गिले शिकवे हैं खुदा के साथ, वो भी बयान करें। और फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी में व्हाट है। आई एम तीन हवाले जो है मैं चाहता हूं जरूर पढ़े, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबूर छे उसकी छठी से नौवीं आए, इस इन वर्सेस में हम देखते हैं डेविड का रिलेशनशिप खुदा के साथ, उसकी जो प्राइवेट प्रेयर्स हैं वो हमें यहाँ पे बयान करता है। हाँ जी पढ़े सर। मैं तड़पते तड़पते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूँ, हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। हाँ जी एक मिनट सर, लैंग्वेज देखें,
मैं कहते वो ये नहीं कह रहा मैं दुआएं कर रहा था और मैं सिर्फ मांग रहा था, बल्कि अपने इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को ला रहा है कि वो खुदा के जुल्म में क्या कर रहा है, कराना, रोना। और कराने का मतलब क्या है, चलाना खुदा के। यहोवा मैं पुकारता हूं, मेरे वाल तो, और उनके जबूरों में आप देखें ये एक्सप्रेशन हमें नजर आता है, मैं कराते कराते थक गया। दिस मीन्स हमें नहीं पता कितना टाइम है, एक साल है, एक महीना है, लेकिन वो कहता मैं थक गया खुदावंद के सामने, रोते रोते चलाते चलाते पता है मैं अपना पलंग आंसुओं से रोता, सो मच वीपिंग, क्राइंग टू गॉड, बहाली के लिए, बरकत के लिए, और वट एवर ही इज आस्किंग फ्रॉम गॉड, अ रिलेशनशिप विद गॉड, व्हाई इज क्राइंग बिफोर गॉड, अपनी रूह को मुझसे जुदा न होने, फॉर अ कनेक्शन विद गॉड। मैं अपना पलंग आंसुओं से, उनकी टर्मिनोलॉजी को देखिए, रियलिटी है वहां, दिल आंखों के थ्रू बहेगा, ये दाऊद के जज्बात है। मैं कराते कराते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भुगोता हूं। हर रात खुदा के साथ काम उनका प्राइवेट टाइम है, हर रात मेरा बिस्तर तैरता। जो जो उन्होंने एक्सप्रेशन यहां पे यूज किए हैं, तैरना, दिस मीन्स टू मच, टू मच, टू मच वीपिंग, टू मच क्राइंग। खुदा तो मुझसे दूर क्यों है, खुदा तो मुझे जवाब क्यों नहीं देता है, खुदा तो मेरे नजदीक क्यों नहीं आता है, खुदा तो मुझे छूता क्यों नहीं है, खुदा खुदा तू मुझे जवाब क्यों नहीं देता है, खुदा मैं तुझे छूना चाहता हूँ। ये सिर्फ मोसेस का एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कोहे सीना पर, वो खुदा का कलमगार है, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी सेंट्स हैं उनका खुदा के साथ एक्सपीरियंस है, रोना है, तड़प है, आरजू है, कराना है, खुदा मैं ये चाहता हूँ मुझे अपनी हजूरी से भर दे। Why you are not answering me? Why you are not coming into my life again? वो मुझे छू क्यों नहीं रहा? वो मेरे नजदीक क्यों नहीं आ रहा? This is his relationship with God. He is serious with God. He knows his God. And no doubt, doubt के बारे में खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक, his heart is with God. मुझे अपनी रूह से जुदा, डेविड की लाइफ में दुनिया की जो चीजें हैं और जो दुनिया की खुशी है और जो दुनिया जो कुछ दे सकती है उसकी अहमियत कम है, उसकी वैल्यू कम है, और उनके नजदीक खुदा के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसकी वैल्यू ज्यादा है। हाँ जी, आगे पढ़े साथियों, आपके नामियां मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है, यानी मेरी बिनाई कमजोर हो रही है, रोते रोते आंसू आंसू चलाना पुकारना, लेकिन दाऊद के अंदर मैं पास नहीं हूं। और मेरे सब मुखालिफों के सबब से तू दिलाने लगी, ऐ सब बदकरदारों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज, खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन, खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन, खुदावंद मेरी दुआ कबूल करे। आमीन। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे। अब उसका रिजल्ट क्या है, वो जो सारे सर्कमस्टेंसेस थे, एनिमीज थे, उस वो खुदावंद से कहता है वो शर्मिंदा नहायत बेकरार। आई एम इस डेविड की दुआ को रिपीट करें और आप मेरे पीछे पीछे इनके जुमलों को रिपीट करें, एज यू आर प्रेइंग फॉर गॉड, खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है, खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली है, खुदावंद
खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। आमीन। ज़बूर 69 उसकी तीसरी। Be honest with God. Whatever your problem is, खुदा को ना ब्लेम करें, खुदा को रिजेक्ट ना करें, खुदा से दूर ना हो जाए। दुश्मन बीच है, हालात की प्रॉब्लम्स है, कोई और चीजें हैं। डेविड का करेक्टर हमें ये बता रहा है, खुदा से ना दूर चले जाएं। इन तूफानों में, इन सैलाबों में, इन मुसीबतों में, इन तकलीफों में खुदा की और नजदीक। हालेलुया। कई दफा खुदा हमें बहुत ज्यादा देकर हमारा टेस्ट करता है, और कई दफा खुदा हमसे लेकर हमारा टेस्ट करता है। ये उसकी मर्जी है वो कैसे टेस्ट करता है, लेकिन आपने क्या करना है, खुदा के साथ है। ज़बूर 69 उसकी तीसरी। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में अटका गई। आमीन। अच्छा, इन दोनों वर्सेस में जो हम एक्सप्रेशन देखते हैं वो ये है कि जब तक दाऊद बादशाह को जवाब नहीं मिल जाता है, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली वो खुदा के पीछे। इसमें वो क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि मेरी आंखें पथरा गई, मेरा गला सूख गया, लेकिन मैं बाज नहीं। खुदा के इंतजार करने से या खुदा से मांगने में वट एवर उसकी नीड है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, ही इज कंटिन्यूसली बिफोर द लॉर्ड। सो इफ यू आर स्पिरिचुअली स्टक, इफ यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग, आप अपने दिल में खुदा के लिए वो लगन और वो तड़प महसूस नहीं कर रहे जो पहले था, वो तेरी पहली सी मोहब्बत कहां गई, देख तू कहां से गिरा है। खुदा के हुजूर में रोए और चलाए और उससे कहें, मुझे अपनी हजूरी का एहसास, मुझे अपनी हजूरी का एहसास। नंबर 3, अगर हम स्पिरिचुअली स्टक हैं तो हमें तीसरा काम क्या करना है, गेट सम थिंग्स आउट ऑफ योर हैंड। कुछ ख्यालों को, कुछ चीजों को अपने जहन में से निकाल, लेट देम, कुछ चीजों को अपने जहन से निकाल। फिक्स योर थिंकिंग, फिक्स योर फीलिंग्स, एंड देन यू कैन फिक्स योर रिलेशनशिप विद गॉड। आमीन। इसका मतलब क्या है, वेन यू थिंक टू मच, ये चीज है, ये काम है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये परेशानी, वेन यू थिंक टू मच। नंबर 2, वेन यू आर टू मच वरीड, जब आप बहुत परेशान रहते हैं। एंड नंबर 3, वेन यू आर टू बिजी, यू कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड। आप खुदा के साथ शख्सी फलदार रिश्ता कायम नहीं कर सकते। ये 3 बातें याद रखें। इफ यू आर थिंकिंग टू मच, अभी ये सोच रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं, जाते हुए ये सोच रहे हैं, आते हुए ये सोच रहे हैं, खाते हुए ये सोच रहे हैं, जब आप फारग हैं तो आप ये सोच रहे हैं, वेन यू टू मच वरी, एंड नंबर 3, वेन यू टू मच बिजी, यू कैन नॉट हैव अ रिलेशनशिप। ये पक्की बात है, आप खुदा के साथ रिश्ता नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट द एनिमी वांट्स, इस फिक्र में डाल दें, उस उलझन में डाल दें, इस परेशानी में डाल दें। स्लो डाउन, और अगर आप स्लो डाउन नहीं होंगे, खुदा आपको स्लो डाउन करना चाहता है। स्लो डाउन, थिंक अबाउट गॉड, फील अबाउट गॉड। सो अगर आप जिंदगी में बहुत तेज हैं, ये करना है, बहुत अंबिशियस है, इधर जाना है, उधर जाना है, then this means you won't have time for God.
डोंट बी ओवर एम्बिशियस, स्लो डाउन. क्या करना है हमने? स्लो डाउन. अंटिल यू स्लो डाउन यू कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ गॉड. खुदा की आवाज कैसी है? हल्की ठहरी हुई आवाज, द स्मॉल स्टिल वॉइस. एलिया ने कौन सी आवाज सुनी? द स्मॉल स्टिल वॉइस, हल्की ठहरी हुई आवाज. अगर आप स्लो नहीं होंगे, अगर आप ठहरेंगे नहीं, आप ये ठहरी हुई आवाज नहीं सुन सकते. चर्च का एक बड़ा हिस्सा आज खुदा की आवाज को शख्सी तौर पर सुनने से महरूम है. टुडे मोस्ट ऑफ अस आर डिपेंडिंग टू हियर गॉड्स वॉइस ऑन द सर्वेंस, ऑन द प्रीचिंग. कभी यूट्यूब पे सुनने, कभी इधर सुनने, हम खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं. मेरी भेड़े मेरी आवाज सुन. You cannot hear God's voice unless you slow. हल्की ठहरी हुई आवाज. And there is life, and there is power, and there is healing in God's voice. किसी प्रीचर के 1000 सर्वन से बढ़कर खुदा का एक जुमला है जो वो आपसे बोलते हैं. हालेलुया. नई बात समझ में, तालियां बजाएंगे. एक जुमला खुदा इज मोर पावरफुल. दुनिया में जो मोस्ट पावरफुल फीचर है टीवी जेक्स, उसके अंदर एनर्जी खत्म ही नहीं होती ना कलाम खत्म होता. वो एक होटल में खाना खाने गया तो बैरे ने पूछा क्या लाऊं, उसने कहा ब्रिंग वन डिश ऑफ एवरीथिंग. मैं भी चर्च में मैसेज देखा है, मैं सब कुछ ही खाता. हालेलुया. सो वेरी एनर्जेटिक. लेकिन खुदा का एक जुमला 1000 सर्वन से ज्यादा पावरफुल. और खुदा के मुंह से निकला हुआ एक आपकी पूरी लाइफ में विक्टोरियसली कैरी कर सकता है, कैरी कर सकता है. एक जुमला खुदा का आपको मिनिस्ट्री में कैरी कर सकता है, जिंदगी में कैरी कर सकता है, तूफानों में थाम सकता है, और आपको हर मुश्किल में से निकाल सकता है. खुदा का एक जुमला जो आप अपने कानों से सुनते हैं. खुदा मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं. सो बहुत ज्यादा सोच, रश, फिक्रें, मंसूबे, अरादे आपको महरूम कर देते हैं कि आपकी आप खुदा की हल्की और ठहरी हुई आवाज को सुन सकते. There is too much noise around you. There are too much voices around you. रिक्शे की आवाजें आ रही हैं, गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, मोबाइल फोन बज रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, चैनल चल रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो चीज हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, नेबर्स की आवाजें आ रही हैं, गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, उसके साथ साथ आपके जहन में आपकी सोचों की आवाजें चल रही हैं. पता नहीं ना जाने आपने आज तक खुदा की कितनी आवाजों को मिस कर, आपने न जाने खुदा के कितने रहमा वर्ड्स को मिस कर दिया है, खुदा के प्रोफेटिक वर्ड्स को मिस कर दिया है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था कि आप स्लो डाउन. रोजे रखने की जरूरत है, और आज के दौर में हमें नए रोजे भी इंट्रोड्यूस करवाने पड़े. नए रोजे से मेरा क्या मतलब है? सम पीपल नीड फास्टिंग फ्रॉम द फेसबुक. फेसबुक के रोजे भी अब रखने पड़ेंगे, सेल फोन्स के रोजे भी अब रखने पड़ेंगे. ये हमारी लाइफ में इस कदर एंटर हो चुके हैं. मेरा जो अगला मैसेज है वो यही है, सेल फोन ने हमारी स्पिरिचुअलिटी को बे इंतहा मुतासर कर दिया, हमारी इबादत को मुतासर कर दिया. कई लोग चर्च में बैठे हुए दूसरे को टेक्स्ट करते चले जाते,
डिस्ट्रैक्शंस है, फोकस हमारा जो है वो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिए इसकी। वी नीड टू फास्ट फ्रॉम, अब इन रोजों की भी जरूरत। बट द पॉइंट इज स्टॉप विद गॉड, स्टॉप विद गॉड। इससे पहले कि आपके सामने कोई लाल बत्ती आए जिंदगी में और आपको रुकना पड़े, आप वैसे ही खुदा के सामने रुके। आमीन। खुदा के साथ वक्त गुजारे, स्टॉप विद गॉड एंड ब्रिंग गॉड इनटू द एवरीडे रियलिटी ऑफ योर लाइफ। स्टॉप विद गॉड एंड एंजॉय गॉड, खुदा को एंजॉय। आई एम पढ़े ज़बूर 36 और उसकी 6। दोनों को महफूज रखता है। आमीन। क्यों हमने ये आयत पढ़ी? डेविड इज नॉट बिजी लाइक दिस, कमरों में बंद है, मशीनों के सामने बिजी है, इधर लैपटॉप चल रहे हैं, उधर टीवी चल रहा है, उधर सेलफोन चल रहे हैं, कोई ये काम हो रहा है, वो चीज हो रही है। डेविड इज नॉट बिजी लाइक दिस, ही इज रिलैक्सिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आज आप दोबारा पढ़े और देखिए ऐसा। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानिंद है। अब वो क्या कंसीडर कर रहे हैं, किस पे गौर कर रहे हैं? खुदा की सदाकत, और उसके सामने क्या है? पहाड़। He is looking at the mountains, और उसे क्या नजर आ रहा है? खुदा की सदाकत। और वो अपने आप से क्या कह रहा है कि मेरे लिए खुदा की सच्चाइयां पहाड़ों की मानिंद है। जैसे पहाड़ नहीं हट सकते हैं, खुदा की सच्चाइयां नहीं हट सकती। मेरे लिए खुदा का कलाम, खुदा के वादे, खुदा की बातें पहाड़ों की तरह अटल है। He is spending time in the nature, और उस नेचर की अजमतों के साथ खुदा को रिलीफ। हाँ जी आगे पढ़े। तेरे एहकाम नहायत अमीक है खुदावर, तेरे एहकाम नहायत अमीक है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। वो नेचर की ब्यूटी को देख रहा है और वो उसके साथ खुदा के हुक्मों को रिलेट कर। एक और एक्सप्रेशन देखें, 144 ज़बूर, साम 144 उसकी 5वीं। हे खुदावन, आसमानों को झुका कर उतरा, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। देखिए कैसा एक्सप्रेशन है, हे खुदावन। आगे क्या है? आसमानों को झुका के नीचे, कम टू मी। वो आसमानों को देख रहे हैं, और उस दौर में उन लोगों के लिए आसमान एक एक स्टेन चीज है, एक सर्फिस है। वो खुदावंद से कह रहे हैं, खुदावंद तेरे लिए आसमान की चीज है, इनको झुका दे, इनको मेरे लिए बेंड कर दे, आसमानों को झुका के ऊपर। यू कैन डू दिस थिंग, तो मेरे लिए ये भी कर सकते। और आगे बढ़े, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठे, और अगर मेरे सामने बड़े बड़े पहाड़ हैं, दुश्मन मेरे सामने अगर पहाड़ों की तरह हैं, लेकिन अगर तू उनको छू देगा उनमें से भी धुआं निकलेगा। हालेलुया। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, गॉड इज ए रियलिटी फॉर हिम, God is a reality in his circumstances, and he is asking God, and he knows and he has the faith. खुदावंद अगर मेरे सामने पहाड़ों को भी छुएगा तो उनमें से क्या निकल आएगा? धुआं निकल आएगा। 7वीं आयत पढ़ें। ऊपर से हाथ बढ़ा, मुझे रिहाई दे, और बड़े सलाम यानी परदेशियों के हाथ से छुड़ा। आपे उतों हाथ बना के मैनू रब। एक और एक्सप्रेशन है डेविड का, अगर मैं अपने दुश्मनों में घिरा हुआ हूं
खुदा ऊपर से हाथ उठा के अपना हाथ बढ़ा के मुझे यहां से निकाल सके। हालेलुया। गॉड कैन डू द सेम फॉर यू। गेट सम थिंग्स आउट ऑफ योर हैंड। स्लो डाउन। हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड। नो योर गॉड। स्टॉप विद गॉड। खुदा की रियलिटी का तजर्बा हासिल। खुदा आपकी जिंदगी में सिर्फ थियोलॉजी ना हो, नॉलेज ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, एक्सपीरियंस। ब्लैक एंड बेबी विदाउट एक्सपीरियंसिंग गॉड। जरूर पढ़ें, आप बरकत पाएं। नंबर चार, गेट गॉड बैक इनटू योर हैंड। अगर आप स्पिरिचुअली स्टक हैं, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को खुदा ने ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में क्या बड़े बड़े काम किए, रिमेंबर दोस्त ने रिकॉल करें। खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या किया, उन बातों को रिकॉल करें। रिमेंबर व्हाट गॉड डिड इन योर पास्ट। मेरी ये बात याद रखें, रिमेंबरिंग गॉड ब्रिंग्स हीलिंग इन योर बॉडी एंड स्पिरिट एंड सोल। खुदा के कुदरत को, कामों को याद करना एक बार फिर से आपकी जिंदगी में शिफा को। अस्तिष्णा की किताब जो है वो इसलिए लिखी गई है, टू रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर गॉड। और अस्तिष्णा की किताब लिखने का मकसद ये था कि इफ बनी इसराइल खुदा की कुदरत को याद रखेगा तो वो खुदा में सेटिस्फेक्शन, जॉय और विक्ट्री हासिल करता है। याद करें पिछले साल आपकी जिंदगी में क्या मौजूद हो, खुदा ने आपकी कौन सी दुआओं का जवाब दिया, उससे पिछले साल में क्या हुआ, खुदा ने क्या काम किया आपकी जिंदगी। रिमेंबर द फेथफुलनेस। इस थर्सडे हम एक मीटिंग में थे, तो मीटिंग के बाद एक पास्टर साहब के बाद में कहते, भाई साहब हम याद है कि years back, 20 years back, सेंट मेरीज ग्राउंड में हमें क्रूसेड कर रहे थे, हम कर रहे थे, तो बड़ी तेज बारिश नाम पे आ, तो वो पादरी साहब मुझे याद दिला रहे थे, I've just forgotten it। तो आप स्टेज पे आए, आपने लोगों से कहा जस्ट वेट, ये बारिश अभी चली जाए। तो मैं पादरी साहब की गाल सुन गया, मुझे याद है सुनकर मैं नहीं आता, तो मैं पता नहीं केड़े में उठ के दुआ कर दू। सुनने का आपने दुआ की कि ये बारिश अभी रुक जाए, थम जाए। वो इतनी स्ट्रॉन्ग बारिश थी, मूसलाधार बारिश थी कि 3-4 मिनट के अंदर अंदर सारी बारिश खत्म। मैं कहा तुम मैं याद कराया तो मैंने गल याद, यू मेड मी रिमेंबर इट, नाउ आई कैन रिमेंबर। ऐसे हुआ। और फिर रात को वो बारिश आई थी कोई 1-2 बजे, और वो इतनी बारिश आई थी कि वो सारा ग्राउंड पानी में डूब गया, लेकिन उस वक्त खुदा ने उस बारिश को रोका। इट रीचार्ज माय फेथ। बारिश को हम नहीं रोकते हैं, बारिश को खुदा रोकता है। बट इट रीचार्ज माय फेथ। अगर खुदा ने उस दिन बारिश रोकी थी, खुदा आज भी बारिशें रोक सकता है। यानी नुकसान को, वो चीजें जो रिकावट बनती है लोगों की जिंदगी में, फिर मुझे फिर याद आया कि ऐसे वाकया इसके बाद भी हुए थे। सलीम लायक का यहाँ प्रोग्राम था FGA ग्राउंड में, तब भी एक दिन था बहुत एकदम बारिश शुरू थी। सलीम लायक कहता भाई साहब दुआ करो, मैं कह मेरी दुआना क्यों ना आपकी दुआ करो, बट आई प्रे और खुदा ने इंस्टेंटली बारिश करो। Hallelujah. So sometimes when we remember, when we recall, it recharges us. याद करें मैं भी 10 साल पहले आप कितनी दुआएं करते थे, 10 साल पहले आप मैं भी पर्सनल इवेंजलिज्म करते थे, आप लोगों के पास जाते थे, 20 साल पहले आपकी दुआइया जिंदगी क्या थी। कई दफा जब आप अपनी जिंदगी पे गौर करते हैं, रिकॉल करते हैं, आप रिचार्ज हो जाते।
इसीलिए बाइबल में बेशुमार दफा लिखा है रिमेंबर गॉड, और स्तिश्ना की किताब खास तौर पर इस बात के लिए लिखी गई थी कि खुदा के कामों को, खुदा की कुदरत को, खुदा के अजाइब को याद रखें, याद रखें। रिमेंबर, अगर आपकी जिंदगी में एक मुआवजा हो चुका है तो आपकी जिंदगी में कई मुआवजे हो सकते हैं। अगर खुदा ने आपकी 10 दुआओं का जवाब दे दिया है, खुदा आपकी 200 दुआओं का भी जवाब दे सकते। रिमेंबरिंग इंक्रीजेस योर ट्रस्ट। Remember one thing about God. God is not disappointed with you. आपने जैसी भी जिंदगी गुजारी है, आप स्पिरिचुअली स्टक हो गए हैं, आप दुनिया में खुशी को ढूंढने के लिए निकल गए हैं, God is not disappointed with you. खुदा आपसे मायूस नहीं है, खुदा आपसे नाउम्मीद नहीं है, खुदा के घर में आपके लिए जगह मौजूद है। वो एक बार फिर कहता है, आप बेटे वापस कर लो, कम बैक। वो औरत जो गुनाह में भी पकड़ी गई और जिसका सबूत भी मौजूद था और जिसको संसार भी करने लगे थे, खुदा ने कहा आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विद यू। पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह। रिमेंबर, दुनिया के लिए जो खुदा है और जब वो दुआ करते हैं तो उनकी दुआ जो है वो खुदा के काम में करती है, लेकिन जब आप दुआ करते हैं आपकी दुआ बाप के काम में जाती है। इज योर फादर, इज योर फादर, इज योर फादर, इज योर फादर। आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं, चाहे आप भटक भी गए हैं, पिछड़ भी गए हैं, वो फिर कहता है आप बेटी घर वापस लौट, आप बेटे घर वापस लौट रहा। वो आपको गले लगाने के लिए, गॉड इज नॉट डिसअपॉइंटेड। यू कैन ऑलवेज बिगिन द न्यू चैप्टर विद गॉड एंड स्टे विद गॉड। हालेलुया। वो आपको एक नई जिंदगी, मामूल जिंदगी और भरपूर जिंदगी दे सकते। आमीन। गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू, ही इज देयर फॉर यू। वो वहां पर आपके लिए मौजूद है। एल्फ्रेड भाई यहां पर मौजूद नहीं, उनको बुलाएं जरा। चले जुनेद भाई माइक दे दे, उधर तुम तर्जुमा कर दो। So God is there for you. God is in front. God is there for you. He knows everything about you. So मैं चाहते जुमले बोलूंगा, पास्टर साहब उसका तर्जुमा करेंगे। Every deliberate sin which you have made, God knows about it. हर वो गुनाह जो आप जानबूझकर करते हैं, खुदा उसके बारे में जानता है। Every stubborn act of you, God knows about it. आपका हर संकश फेल, खुदा उससे वाकिफ है। Every desperate moment in your life, कल मनफी है। हर वो ख्याल जो मनफी है, आप की सोच के हामिल है, खुदा उससे आगाह है। आई रिपीट इट अगेन, एवरी सिनिकल थॉट टुवर्ड्स गॉड, गॉड नोस अबाउट इट। हर मनफी ख्याल जो आप सोचते हैं, खुदा उसके बारे में जानता है। एवरी क्रिपलिंग फियर यू हैव, गॉड नोस अबाउट इट। हर वो खौफ जो आपको मफलूज कर देता है, खुदा उसके बारे में जानता है। एवरी लोनली मोमेंट इन योर लाइफ, गॉड नोस अबाउट इट। हर तन्हाई का लम्हा जो आपकी जिंदगी में है, खुदा उसके बारे में जानता है। एवरी ओवरवेलमिंग क्राइसिस इन योर लाइफ, गॉड नोस अबाउट इट। हर वो बहरान जो आपको कुचल गया, गालिब आ गया, खुदा उससे आगाह है। Every feeling of depression in your life, God knows about it. आपकी मायूसी की हर जो फीलिंग एहसास महसूस करना है, खुदा उसके बारे में जानता है। Every feeling of rejection in your life, God knows about it.
आपका हर रद्द किया जाना महसूस जब आप करते हैं खुदा उसके बारे में जानता है। So the bottom line is God knows everything about you. खुलासा ये है खुदा सब कुछ जानता है। But still God loves you. इसके बावजूद खुदा आपसे प्यार करता है। Jesus calls you back into his kingdom. खुदावंद यीशु आपको अपनी बादशाही में वापस बुला रहा है। हालेलुया। मैं आप खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। Put God back into your heart. Put God back into you. आखिरी बार, receive the love of God. खुदा की मोहब्बत का तजर्बा। ज़फ़नायाह 3 उसकी 17 आयत में लिखा है, God sings over you. What is the next verse? ज़फ़नायाह 3 उसकी 17 है। आपके जितने भी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स हैं, रोजा रखें, दुआ करें, दाई अकीदे, पाक शराकत है, देयर मेनी 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 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। और बेसिकली हम कहते हैं देयर 12 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स। लेकिन उन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू रिसीव द लव ऑफ जीसस। खुदा की मोहब्बत को रिसीव कर। टू रियली नो गॉड लव्स यू। मे बी आपकी जिंदगी में कई महरूमियां हैं, कई अनमेट डिजायर्स हैं, कई परेशानियां हैं, कई गैप्स हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर गॉड लव्स यू। ऑल्दो गॉड इज बिग एंड डिस्टेंट, but for you he is near and he loves you.